सो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फैनमेड स्टोरी की आगे की स्टोरी के बारे में, यानी कि पार्ट 8 के बारे में। लेकिन गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और फैनमेड स्टोरी को भी इतना ज़्यादा प्यार दिया, और आप सबका ये प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हमारा चैनल जो है जल्दी से जल्दी और भी ग्रो कर सके और इसके 50K तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारी इस ऑसम वीडियो को और आगे की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि फैनमेड स्टोरी के अंदर बेंटनीसन को एक धमाका दिखता है सिटी के अंदर, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये इतना बड़ा धमाका किसने किया होगा। जिसके बाद कि गाइज बेंटनीसन उस धमाके की तरफ देखता रहता, तभी कैमिन 11 उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही धमाके को देखते रहोगे तो वो विलेन दोबारा से गायब हो जाएगा। जिसके बाद बेंटनीसन कहता है कि अब तुम कार में जाओ या कैसे भी जाओ, लेकिन मैं अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करके उसे अभी ही पकड़ लूँगा। और बेंटनीसन अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करके फास्ट ट्रैक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद बेंटनीसन जो है केविन और ग्वेन को बोलता है कि मैं उस धमाके के पास पहले जा रहा हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाना। जिसके बाद बेंटनीसन जो है फास्ट ट्रैक का यूज़ करके उस धमाके के पास जल्दी से पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके देखता है तो काफ़ी बड़ा धमाका हुआ होता है और उसे देख के फास्ट ट्रैक जो है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद उस धमाके के अंदर से निकल के आता है गाइस एल्विडो, और गाइस एल्विडो को देख के बेंटनीसन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि एल्विडो क्यों पूरी के पूरे शहर के अंदर तबाही मचा रहा है, उसे अगर फाइट करनी होती तो वो मेरे पास सीधा आ जाता। जिसके बाद एल्विडो बेंटनीसन को देख के बोलता है कि क्या तुम मुझसे अभी से डरने लगे बेन। तभी बेंटनीसन बोलता है कि तुमसे मैं कभी भी नहीं डरता, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरे पास आके सीधा लड़ सकते थे। तभी एल्विडो कहता है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी अभी के लिए, पहले मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तभी एल्विडो को बेंटनीसन बोलता है कि उन बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, पहले तुम ये बताओ कि तुम पूरी की पूरी सिटी के अंदर तबाही क्यों मचा रहे हो। जिसके बाद एल्विडो जो है बेंटनीसन को ये बोलता है कि मैं अर्थ को काफ़ी टाइम पहले छोड़ के चला गया था, जिसके बाद मैं पूरी दुनिया के अंदर घूम रहा था कुछ रहस्य को जानने के लिए, यानी कि मेरी पावर्स को जानने के लिए। जिसके बाद एल्विडो कहता है कि और मुझे इतनी बातें पता लग गई जो कि तुम कभी भी नहीं जान सकते। बेंटनीसन बोलता है कि अच्छा ऐसी क्या बातें तुम्हें पता लगी। एल्विडो कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा और तुम्हें टाइम आने पर खुद ही पता चल जाएगा। और एल्विडो हंसते हुए बोलता कि और जब वो टाइम आएगा तब तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम जिंदा हो या फिर मर चुके हो। और ऐसा बोलते ही एल्विडो जो है बेंटनीसन को एक और बात बोलता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो कि तुम्हारे पास है। तभी बेंटनीसन कहता है क्या तुम्हें अल्टीमेट्रिक्स चाहिए। तभी एल्विडो कहता है कि नहीं मुझे अल्टीमेट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम चाहे उसे अपने पास रखो, लेकिन मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और एल्विडो की ये बातें सुनने के बाद बेंटनीसन कहता है कि अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए तो तुम मुझसे आके क्यों नहीं ले लेते। तभी एल्विडो कहता है कि हाँ ज़रूर मैं तुमसे वो अभी ही छीन लूँगा। जिसके बाद एल्विडो जो अपनी वॉच का यूज़ करता है और अल्टीमेट ग्रेमेटर बन जाता है, और एल्विडो जो है बेंटनीसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन गाइस बेंटनीसन जो है फास्ट ट्रैक के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है, जिसके कारण कि वो अपनी स्पीड के कारण बच जाता है उस अटैक से। लेकिन गाइस एल्विडो को वहीं पर गुस्सा आ जाता है और वो भी फास्ट ट्रैक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फास्ट ट्रैक वर्सेस फास्ट ट्रैक की फाइट स्टार्ट हो चुकी है और वो फाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है, एक दूसरे के पंच मार रहे हैं दोनों के दोनों। जिसके बाद गाइस एल्विडो का जो पलड़ा होता है वो भारी हो जाता है और बेंटनीसन के ऊपर वो एक पंच करता है, जिसके बाद बेंटनीसन जो है काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन गाइस बेंटनीसन जो है दोबारा से खड़ा हो जाता है एल्विडो के साथ फाइट करने के लिए और अल्टीमेट्रिक्स की मदद से वो हीट ब्लास्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद गाइस एल्विडो भी जो है हीट ब्लास्ट बन जाता है। और उसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है कि हीट ब्लास्ट वर्सेस हीट ब्लास्ट की फाइट होने लग जाती है और गाइज वो मैच के अंदर भी बेंटनीसन को एल्विडो जो है हरा देता है। लेकिन उसके बावजूद बेंटनीसन जो है दोबारा से खड़ा हो जाता है और एम्पेरियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद एल्विडो जो अल्टीमेट ह्यूमंगसोर बन जाता है, उनके बीच फाइट चलती है गाइज, जिसके बाद एल्विडो जो है एम्पेरियम को भी हरा देता है। लेकिन गाइज बेंटनीसन जो है दोबारा से अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करता है और अल्टीमेट एक्वेको के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्टीमेट एक्वेको की मदद से बेंटनीसन जो अल्टीमेट ह्यूमंगसोर को हरा देता है, जिसके बाद एल्विडो जो है अल्टीमेट एक्वेको ही बन जाता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अल्टीमेट एक्वेको वर्सेस अल्टीमेट एक्वेको की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद गाइज काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है वो फाइट और गाइज बेंटनीसन जो है इस फाइट के अंदर एल्विडो को हरा देता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइज कि एल्विडो दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो म्यूटेंट टकोस्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वेविक का जो बुरा रूप होता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गाइज बेंटनीसन को ये बात तो पता ही है कि अल्टीमेट एक्वेको जो है टकोस्टर को नहीं हरा सकता, जिसके लिए कि अल्टीमेट्रिक्स का दोबारा से यूज़ करके बेंटनीसन जो है वेविक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गाइज आज का हमारे ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एंड गाइज आगे की स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद गाइज बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
और गाइज अगर आप लोग को वीडियो से रिलेटिव कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइज आज के हमारी इस वीडियो को हम लाइक एम करते हैं 1000 लाइक्स, अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया तो ही इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा। एंड गाइज इसके अलावा आप लोग ये फैन मेड स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बेंटन की न्यू फैन मेड स्टोरी देख सकें। एंड आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी सारी औसम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।